बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थानी व्यंजन में। तो आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल फूल मखाने की सब्जी। तो बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हो, वो घर के आइटम से बना सकते हो और खाने में एकदम बेहतरीन रहेगी और एकदम टेस्टी और मजेदार लगेगी आपको खाने में। एकदम कितनी मजेदार दिख रही है, तो आप भी बना सकते हो। फूल मखाना बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम फूल मखाना ले लिए और थोड़ा हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे उसको थोड़ा 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं फूल मखाने का कलर चेंज हो चुका है, वो पूरी तरह रोस्ट हो चुके हैं। देखिए एक मैंने एक पीस पकड़ के ऐसा तोड़ दिया, ये टूट गया, मतलब पूरी तरह रोस्ट हो चुका है। अब उसको नीचे उतार के प्लेट में डाल। फूल मखाना ग्रेवी बनाने के लिए मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें 3 छोटे टमाटर डाल देंगे, 1 हरी मिर्ची, 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में काट दिया है और 4 से 5 भी लहसुन का कलिया वो भी डाल देंगे। थोड़ी सी खसखस ले लिए वो भी उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा तिल भी ले लिया हूँ 1 टीस्पून, वो भी इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून तरबूज का बीज लिया हूँ, वो भी इसमें डाल देंगे। और ये 5 से 6 पीस काजू लिया हूँ, वो भी इस मिक्सर के जार में डाल देंगे। मिक्सी में डाल के उसको बारीक पेस्ट कर देंगे, पानी नहीं मिलाना इसमें। और सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस को स्टार्ट कर दिया है, उसको लो स्मोक में रखा और ऑयल डाल देंगे, 3 टीस्पून ऑयल डाला मैंने इसमें। इसको थोड़ा गर्म होने तक वेट करेंगे। देखिए तेल अपना गर्म हो चुका है, गैस को लो कर देंगे। जीरा डालेंगे थोड़ा, जीरे को थोड़ा पकाएंगे। थोड़ी चुटकी भर हींग डाल देंगे। देखिए मैंने छोटे 2-3 तेज पत्ता लिया है, 1 मराठी मगा, 1 स्टार फूल, 2 लौंग, 2 इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े। अभी इसको थोड़ा फ्राई करेंगे मसाले को। मसाला फ्राई हो चुका है, अभी इसमें 1 प्याज ले लिया हूँ छोटे टुकड़े काट दिए, वो भी इसमें मिला देंगे। 1 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट दिए, वो भी इसमें मिला देंगे। थोड़ा फ्राई करेंगे प्याज को गलत चेंज होने तक। मसाला और प्याज को तेल में फ्राई करने से अपने सब्जी का टेस्ट मस्त आता है। थोड़ी देर फ्राई करेंगे, गैस को स्लो रखना दोस्तों। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसमें बाकी के सब मसाला मिला देंगे। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको अच्छे से पकाएंगे हम आँच पे। अपना मसाला पक चुका है, उसमें अच्छी महक सी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी जो पहले हमने मिक्सी में पेस्ट बनाया था इसमें मिला देंगे अच्छे से। गैस को मीडियम कर देंगे। ये मसाले को 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच में पकाएंगे। देखिए दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, अभी सब्जी को देखते हैं। अब देख सकते हैं सब्जी एकदम पक चुका है, तेल छोड़ दिया है पूरा सब्जी ने और मसाले में जाली जाली पड़ रही है। अभी इसमें बाकी का आइटम मिलाएंगे। अपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, जिससे अपने सब्जी में अच्छा कलर आएगा, तीखी नहीं रहती है। 4 से 5 पीस काजू ले लिया है, 4 से 5 पीस काजू ले लिया, वो भी डाल देंगे।
कसूरी मेथी दिया हूँ, जिससे अपना सब्जी का अच्छा फ्लेवर आएगा, एकदम बटर फ्लेवर आएगा, वो भी मिला देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मिला दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार फिर से। इसमें आप पानी ऐड करना चाहे तो भी पानी ऐड कर सकते हैं, आपका मर्जी के हिसाब से। 2 मिनट पकाएंगे मसाले को। मैं तो इसमें थोड़ा पानी मिला रहा हूँ। गैस को थोड़ा फास्ट कर देंगे, तो 2 मिनट पकाएंगे जब तक अपने सब्जी में उबाल नहीं आए। जब तक देखिए दोस्तों, अपनी सब्जी में उबाल आ चुका है। अभी इसमें फूल मखाना मिला देंगे। गैस को स्लो कर देंगे, उसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे पकने के लिए। देखिए दोस्तों, 3 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं एकदम अपना फूल मखाने का सब्जी एकदम रेडी हो चुका है, एकदम पूरा पक चुका है। बहुत मस्त खुशबू आ रही है, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। दिखने में बहुत ही गजब का दिख रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा। इसके ऊपर धनिया डालेंगे, धनिया पत्ती। देखिए दोस्तों, ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल पनीर के जैसा टेस्ट आता है इस सब्जी में। और ये फूल मखाने की सब्जी अपने हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा करती हैं। देखिए दोस्तों, अपना रेसिपी पूरा हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा है, कमेंट करके बताइए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।